ईद के बकरों के लिए अब चारा लेना हुआ आसान। PNS एग्रो आ गया है कल्याण फाटा के आगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास। हरी पत्ती, तुवर भूसा, चना छिलका, मकई टुकड़ा, जवारी, सोयाबीन सब मिलेगा आपको, वो भी अच्छी क्वांटिटी में। PNS एग्रो में हर चीज का स्टॉक अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको वजन बढ़ाने वाले टॉनिक्स और फीडिंग सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे। PNS एग्रो में बकरों को चारा खिलाने के लिए फीडिंग ट्रेस, PVC पैलेट्स, फार्म इक्विपमेंट्स और PNS का स्टार्टर मिक्स फीड और मिनी स्टार्टर सब मिलेगा। साथ ही साथ जानवरों के लिए अलग अलग किस्म की दवाइयां और उनके लिए एसेसरी जैसे कि बेल्ट और घुंघरू सारे के सारे अवेलेबल है। और जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। कौसा के चंकीज में हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की, स्थानीय मुस्लिम लड़कों ने कहा बुर्का उतार कर घूमो। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर फिलहाल जिस तरह से लव जिहाद के दावे, मेनस्ट्रीम मीडिया में भी ये दावे और वहीं भगवा लव ट्रैप के दावे, इसके बीच अब दोनों समुदायों में इसको लेकर के बड़ा चौकन्ना रहने की एक आदत सी बन गई है। देखिए कौसा में बिल्कुल जो नशेमन में DCB बैंक के उसके करीब में मेहर कैस्टल है, मेहर कैस्टल में चंकीज नाम का एक खान पान का होटल है, फास्ट फूड का होटल है। यहां पर सोमवार 19 जून को कुछ स्थानीय युवकों ने देखा कि एक बुर्का पहनी हुई मुस्लिम लड़की एक हिंदू युवक के साथ बैठी है। उसके बाद इन युवकों ने इन दोनों से बातचीत की, लड़की से भी बातचीत की। इन युवकों का कहना क्या है वीडियो में आप देखिए किस तरीके की इनके बीच बहस हो रही है। लड़की ने इन्हें बताया कि लड़का उसका माना हुआ भाई है, वो रत्नागिरी से आई हुई है, ये लड़का उसे जॉब दिलाने वाला है और इसलिए वो आई हुई थी। वहीं वीडियो के दौरान लड़की इन युवकों से मना कर रही है, वो कह रहे हैं कि देखो बहन हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर आप जो कुछ भी करना है, बैठना है, घूमना है, फिरना है किसी के भी साथ, तो आप बुर्का उतार करके घूमो, आप इस तरीके से समाज को बदनाम नहीं करो। इस पूरे मामले में इन युवकों ने किसी तरह की कोई अभद्रता या गलत व्यवहार नहीं किया है और लड़की का कहना है कि उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो उसे टोके या रोके। हम लोग उतना ही पूछ रहे हैं, हम लोग खाली पूछ रहे हैं, हम लोग चिल्ला चाली नहीं कर रहे। आपको बोलने का भी कोई हक नहीं है। क्या क्या